In our previous lecture, we have completed ADM, means absorption, metabolism, and distribution of the drug. And this drug excretion is not in your syllabus, but I am just giving you the brief of this, as you have to know that how drug or any compound eliminated from our body. तो absorption में, metabolism में और distribution में हमने क्या पढ़ा कि जो drug होती है that should be hydrophilic, lipophilic, means ionized and unionized form. And metabolism is the step before the excretion. In this step, the drug should make polar, means जो drug है वो polar में convert हो जानी चाहिए, water soluble हो जानी चाहिए, ताकि वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए. और उसको वाटर में सॉल्युबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेज़ वन और फेज़ टू, इन प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा. उससे हम ड्रग को पोलर या वाटर सॉल्युबल बनाएंगे, या वो ड्रग बन जाती है और हमारी बॉडी से थ्रू किडनी जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. तो अब हम छोटा सा ब्रीफ लेंगे, बिकॉज एक्सक्रीशन इज़ नॉट इन योर मेडिसिन केमिस्ट्री सिलेबस. द ड्रग एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, ये एक्सक्रीशन होता है. रूट्स क्या हो सकते हैं, किडनी, बाइल, लंग्स, स्वेट, मिल्क, स्पर्म, सलाइवा. किडनी से यूरिन फॉर्मेशन होता है. बाइल, बाइल वो ड्रग होती है, बाइल से वो ड्रग कॉन्जुगेट करती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, कॉन्जुगेशन उनका नहीं होता है. लंग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे जो वॉलेटाइल ड्रग्स होती हैं, वो हमारे को देखते हैं ना, कई बार हम दवाई खाते हैं उसके बाद जो है मुंह से स्मेल आती है, तो दे आर द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस विच एक्सहेल्ड बाय द एयर. फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो एज ए उसको अल्कोहल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि इसने कभी इसने शराब तो नहीं पी रखी. तो वो क्या होते हैं, दे आर आल्सो एक्सक्रीशन पार्ट. स्वेट जो हमारा पसीना होता है, मिल्क, मिल्क से कौन सी ड्रग्स होती हैं एक्सक्रीट आउट, लिपोफिलिक ड्रग्स, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उसके अंदर ये होता है. तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि जैसे लिथियम है, ये सब अल्कोहल है, ये लैक्टेटिंग मदर्स के मिल्क से रिलीज़ हो सकता है, एक्सक्रीट आउट हो सकता है, होता है. इसीलिए हमें हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे और या फिर लैक्टेटिंग के टाइम पे कुछ ड्रग्स जो है बैन किया जाता है कि आपको ये ड्रग्स नहीं लेनी है, बिकॉज दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द बेबी. नेक्स्ट, स्पर्म, इसका अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि स्पर्म से कौन कौन से ड्रग्स या बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन आउट होता है, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है कुछ हद तक स्पर्म से भी रिलीज होती हैं. देन सलाइवा, सलाइवा जैसे कि हमारा होता है, उसके अंदर हाईली सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो इससे एक्सक्रीट आउट होती हैं. तो मेनली हमारा जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो हमारा किडनी होता है, किडनी यानी कि यूरिन फॉर्मेशन. तो इसमें होता क्या, जनरली ड्रग कैन बी, हमें पढ़ा था पिछली क्लासेस में लेक्चर्स में, ड्रग कैन बी नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ये तीन फॉर्म से हो सकता है. देन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरनल हो सकता है, पेरेंट्रल हो सकता है. एंटरनल का मतलब होता है जिसके अंदर इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्रल यानी कि अदर देन द इंटेस्टाइन. एंटरनल के अंदर दो हो सकते हैं, या तो हम ड्रग सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर ड्रग जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा. तो जब ये स्टमक के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो सॉलिड है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, और लिक्विड का तो डिसइंटीग्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. फिर ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसोल्यूशन हो गया, देन उसके बाद वो कहाँ जाएगा, जीआईटी, गैस्ट्रो इंस्टेस्टाइनल ट्रैक, वहाँ पे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा ये ब्लड में चला जाएगा. ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कौन सा, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, डिफ्यूज़न है, ऑस्मोसिस है, ठीक है, एंजाइम कैरिंग है. तो वो सारा जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड में चला जाता है. जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना, हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रक यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स यूज़ करते हैं. इसी तरीके से जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ब्लड के लिए, वो भी ऐसा होता है. उसके बाद ब्लड से
वो मेटाबॉलिज्म होने के लिए कहाँ जाएगा, लीवर में। लीवर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और मेटाबोलाइट बन जाएंगे, और मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, किडनी में जाएंगे, और जो बड़े मेटाबोलाइट्स होंगे वो यूरिन के थ्रू बाहर, छोटे वाले यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और जो बड़े वाले होंगे वो फीसिस के थ्रू, बाउल्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो दिस वाज द ब्रीफ ऑफ द एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स वी आर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो एक ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर ये भी समझाया गया है, ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। कभी भी दूसरे के नोट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, हमेशा हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो बुक में लिखा है उसी की आप बना लाइनें लिखना शुरू कर दें। दिस आर जस्ट अ टाइप ऑफ कोडिंग। और पॉइंट्स होते हैं कि पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं और आप उसको अपने आप एक्सप्लेन कर सको या उसको देख के समझ सको कि अगर ये पॉइंट लिखा है तो इसके आगे मुझे कितना क्या लिखना है, वो एक्चुअल में नोट्स होता है। बुक को बुक पेज पे छापना नोट्स नहीं होता है। तो देयर आर थ्री फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, एज डिफरेंस, डाइट, स्पीशीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस, जेनेटिक एंड हेरिडेटरी फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आयनाइजेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायोस्टेरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म्स। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग ड्रग मेटाबोलिज्म। नाउ वी विल स्टार्ट हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट ड्रग मेटाबोलिज्म। फर्स्ट इज एज डिफरेंस, वेरिएशन इन एंजाइम कंटेंट एंड एंजाइम एक्टिविटी। मीन्स जब भी हमारी एज, जैसे कि एज का डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है कि आपकी एज कितनी है, और उसके हिसाब से आपको डोज दी जाती है, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है कि हम, क्योंकि उसके अंदर जो हम ड्रग लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म तो होगा ही ना उसका, तो उसको कौन कौन से एंजाइम उस बॉडी के अंदर, एज के हिसाब से एंजाइम चेंज होता है, एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होती है, तो यानी कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी चेंज होगा। तो यानी कि दवाई लेने से पहले हमें एज का पता होना ज़रूरी होता है, इसीलिए हर जगह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे एज लिखता है और आपकी एज पूछा भी जाती है कि आपकी क्या एज है। अब इसके अंदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इन नियोनेट्स एंड इन इन्फेंट माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम इज़ नॉट फुली डेवलप्ड। ये वाला सिस्टम जो लीवर होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ होते हैं, लीवर, तो उसके अंदर ये सिस्टम डेवलप नहीं होता है छोटे बच्चों में, तो मैनी ड्रग्स आर मेटाबोलाइज स्लोली। तो बहुत सी ड्रग्स स्लोली मेटाबोलाइज होते हैं। इन एल्डरली, एल्डर पर्सन में क्या होता है, रिड्यूस्ड लीवर साइज, रिड्यूस माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी एंड रिड्यूस हिपैटिक ब्लड फ्लो। यानी कि लीवर के अंदर ये चेंजेज आते हैं, साइज जो है लीवर का वो कम हो जाता है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे कम थी वो यहाँ बढ़ जाती है, और जो हिपैटिक ब्लड फ्लो है वो भी, हिपैटिक यानी कि लीवर, लीवर को ही हिपैटिक बोलते हैं, वहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि नियोनेट्स और एल्डर पर्संस के अंदर दवाई देते हुए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनका लीवर का जो एंजाइम है या उनका जो साइज़ है उसकी वजह से जो इनकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो डिक्रीज हो चुकी होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। अब आपने एक सुना है ग्रे बेबी सिंड्रोम, सुना होगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों हो जाता है कि इसके अंदर क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक होती है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है ड्यू टू द लेस एंजाइम, मतलब कि जो एंजाइम इसके लिए चाहिए होता है मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो इसके अंदर नहीं होता है। द इनएबिलिटी ऑफ इन्फेंट टू कॉन्जुगेट्स क्लोरामफेनिकोल विद ग्लूकोनिक एसिड
उससे क्या होगा, देर इज अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ दिस ड्रग, इस ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और इसको कहते हैं हम ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, तो दैट इज ड्यू द एक्युमुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक क्लोर एम्फेनिकॉल। नेक्स्ट एग्जांपल, न्यूनेटल हाइपरबिलिरुमिनिया रिजल्ट फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी रिजल्ट इन द न्यू बॉर्न बेबी टू ग्लूकोनाइड बिलिरुबिन। ये जो है हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है, तो बिलिरुबिन बढ़ने के कारण उसके अंदर उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं हाइपरबिलिरुमिनिया। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है डाइट। डाइट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है हमारे मेटाबॉलिज्म में। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको ये दवाई दूध के साथ लेनी है, आपको इसके बाद ये खाना है, ये चीज़ें नहीं खानी है, खट्टा नहीं खाना है। तो वो सब क्या होता है कि वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में उसके हेल्प करता है या उसको कम करता है, क्या करता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ जो है वो डॉक्टर हमें डाइट रिकमेंडेशन भी करता है। फॉर एग्जांपल फैट फ्री डाइट क्या करती है, डिप्रेस साइटोक्रोम P450 लेवल्स फॉस्फोलिपिड्स बिकम डेफिशिएंट, ये कम हो जाता है, डिक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी और ड्रग की मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ग्रेप फ्रूट जूस क्या करता है, इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स इम्प्रूव देयर बायोअवेलेबिलिटी, कई ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता है तो उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द ब्लड के अंदर, ताकि वो बॉडी तक जा सके, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो बॉडी में अच्छे से हर जगह पहुंच सकती है, जैसे कि टरफेनाडीन। नेक्स्ट इज लो प्रोटीन डाइट डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के लिए, उसके ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होता है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए होता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के लिए, तो उसकी डेफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारी अमीनो एसिड्स जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अमीनो एसिड ये हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि विटामिन जो है वो हमें लेने चाहिए और मिनरल्स, लेकिन कुछ जैसे कि विटामिन ए B2 B3 सी एंड ई एंड मिनरल्स कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक एंड आयरन रिटार्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंजाइम की ये कम कर देते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीशीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस। स्पीशीज यानी कि अलग अलग जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ है, एनिमल स्पीशीज़ है, वो सब, और स्ट्रेन यानी कि उसी के अंदर ही दो टाइप का स्ट्रेन अलग अलग प्रजाति। मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स एंड फॉरेन कंपाउंड इज स्पीशीज डिपेंडेंट, कि हमारे ड्रग या फिर फॉरेन कंपाउंड यानी कि जो एक्स्ट्रा कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी डिपेंड होती है स्पीशीज़ के ऊपर। There are metabolic differences between the species such as humans, dog, rabbit, pigs, cats. क्योंकि सबके अंदर metabolic activity अलग अलग होती है। अब आप देख सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि जो human खाता है वही जानवर भी खाते हैं। अब जैसे cow है वो घास खाती है, लेकिन human तो घास नहीं खाता ना, क्यों नहीं खाता, क्योंकि वो enzymes उसके present नहीं है कि वो उसको digest कर सके। तो इसी हिसाब से उसका जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे ये भी डिसाइड किया जाता है कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इस वही प्रोसेस, वही जो हमारा है वो ड्रग के साथ है। इन फेज़ वन रिएक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ एम्फिटामिन एंड एफेड्रीन, इसके अंदर ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इन मैन बाय ऑक्सीडेटिव डिएमिनेशन, इन रैट्स एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर एम्फिटामिन और एफेड्रीन दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अलग तरीके से हो रहा है, इसके अंदर अलग तरीके से। रैट्स में डिफरेंट तरीका है उसका होने का और मैन में अलग तरीका है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इन फेज़ टू रिएक्शंस
मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनोलिक ज़ीनोबायोटिक्स। इसके अंदर कैट्स के अंदर सल्फोनेशन प्रोसेस होता है और पिग्स के अंदर ग्लूकोरिनेशन प्रोसेस होता है, जो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में भी पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, सल्फोनेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से जो स्पीशीज होती है उसके ऊपर भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेन डिफरेंस, सेक्स डिफरेंसेस। सेक्स डिफरेंसेस दैट कैन बी फीमेल और मेल, तो उसके अंदर भी हमारा डिफरेंस आता है मेटाबॉलिज्म में। सिंस वेरिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल आर ऑब्जर्व फॉलोड प्यूबर्टी, सच डिफरेंसेस आर वाइडली स्टडीड। इन ह्यूमन फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ सेक्स डिफरेंसेस हैव बीन ऑब्जर्व। अब इसके अंदर क्या क्या देखा गया है, वुमेन मेटाबोलाइज बेंजोडाइजिपिन स्लोली देन मैन। जो बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स हैं वो स्लोली मेटाबोलाइज होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। निकोटिनिक एसिड एंड एस्प्रिन सीम्स टू बी मेटाबोलाइज मोर रैपिडली इन मेल कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट, वोमेन ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेटाबोलाइज सम ड्रग्स स्लोली। जो लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो उसके अंदर भी जो मेटाबोलिज्म ड्रग का होता है वो स्लो हो जाता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता भी है कि आप पहले कौन सी दवाई ले, आप पहले कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं। जब हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, कोई भी जाता है, चाहे वो जेंट्स है या लेडी है, कोई भी है, तो यही पूछते हैं हम कि आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, अभी तक कौन सी दवाई ली है, ठीक है, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि कहीं आप जो दवाई ले रहे हैं उसका उससे कोई साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट या कोई मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए वो पूछा जाता है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट कर सकता है। द मेटाबॉलिज्म आल्सो वेरीज इन वेरियस इन सम एनिमल स्पीशीज के अंदर। जैसे इसके अंदर मेल और फीमेल होता है, ऐसे जो स्पीशीज़ होती हैं उसके अंदर भी ये चेंज हो सकता है। अडल्ट मेल रैट्स मेटाबोलाइज मैनी फॉरन कंपाउंड एज फास्टर रेट दैन फीमेल। ऐसे रैट्स के अंदर भी ले लेते हैं हम, तो उसके अंदर फॉरन कंपाउंड की मेटाबोलिज्म ज़्यादा फास्टर रेट से होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। एक हमारा स्ट्रेन रह गया था, स्ट्रेन अगर हम लेते हैं जैसे कि इन माइस एंड रैबिट्स, इसके अंदर एग्जाम्पल लिया था गया था मेटाबोलिज्म ऑफ हेक्सोबारबिटल। इन कॉटन टेल रैबिट लीवर माइक्रोसोम एक्ट मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू रैबिट इन न्यूजीलैंड। तो ये वाला जो रैबिट कैटेगरी कौन सी है, रैबिट की है दोनों के अंदर, ठीक है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेन है वो अलग अलग है। तो स्ट्रेन अलग होने से भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं वो भी उसके अंदर चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक एंड हेरिडेटरी फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर इन ह्यूमन इज द मेन कॉज फॉर द डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जैसे हेरिडेटरी, जैसे किसी को जब डायबिटीज़ होता है तो डॉक्टर कई बार, वो डायबिटीज़ होता है हेरिडेटरी भी होता है, ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब कोई ऐसी बीमारी होती है हेरिडेटरी, तो डॉक्टर क्या पूछता है कि आपके परिवार में पहले ये किसी को है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा पूछा जाता है कि उससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे परिवार में थी या नहीं थी, क्योंकि वो जो ड्रग है वो उसके मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करेगी। तो देयर आर आल्सो जेनेटिक एंड हेरिडेटरी फैक्टर। फर्स्ट इज एथनिक वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, एसिटाइलेशन ऑफ आयोनाइज्ड आयोनियाजिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेसेस। मतलब अलग अलग के अंदर एसिटाइलेशन का, आयोनियाजिड का एसिटाइलेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, रैपिड एसिटाइलेटर्स हैव मोर हेपेटिक एंड एसिटाइल ट्रांसफरेज देन द स्लो एसिटाइलेटर्स। जो स्लो मतलब कि धीरे धीरे जिसके अंदर एसिटाइलेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर ये वाले एंजाइम का अप डाउन होता है, कि जिसके अंदर ज़्यादा होगा उसके अंदर ज़्यादा होगी, जिसके अंदर कम होगा उसके अंदर एसिटाइलेशन प्रोसेस कम होगी। 90% एशियंस एंड एस्कॉम्स आर रैपिड एसिटाइलेटर्स, इजिप्ट्स आर स्लो एसिटाइलेटर्स।
Genetic factor influences rate of oxidation of phenylbutazone, phenytoin, halothane and dicuramarol. Means ये जो ड्रग्स आप नाम देख रहे हैं ये आप आगे वाले जो आपकी सिलेबस है उसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर ये मैंशनड है और आप डिटेल में आप इसको आगे पढ़ेंगे, यहीं यहाँ पे सिर्फ आप इसके नेम्स याद करेंगे. नेक्स्ट फैक्टर इज एंजाइम इंडक्शन. एंजाइम इंडक्शन मीन्स इंड्यूस करना किसी चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ाना या घटाना. When a drug causes an increase in the activity of an enzyme, often due to increased amount of newly synthesized enzyme, this will result in increase in drug metabolism and decreased duration of drug action. ठीक है, तो जो enzymes होते हैं हमारी body के अंदर वो हमारी metabolism process को increase भी कर सकते हैं और decrease भी कर सकते हैं. और इनको हम जो ये chemicals होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, enzyme inducers. एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करते हैं, कैन डिक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द मेटाबोलाइट्स. फॉर एग्जाम्पल, इंडक्शन ऑफ माइक्रोसोबल एंजाइम बाय फिनोबार्बिटोल इंक्रीजेज मेटाबोलिज्म ऑफ वारफरीन एंड दस डिक्रीजेज एंटी कोएगुलेंट एक्टिविटी. कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम जो होता है उसका इंडक्शन कर दिया जाता है, कौन, अगर फिनोबार्बिटोल ड्रग को वारफरीन के साथ ले लिया जाए तो उससे क्या होगा कि वारफरीन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. फिनोबार्बिटोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुमिनिया बिकॉज इट इंड्यूसेस ग्लुकोरोनाइल ट्रांसफरेज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोरिनिडेशन ऑफ बिलीरुबिन. तो इसके अंदर फिनोबार्बिटोल इसके अंदर भी इफ़ेक्ट करता है और इसके अंदर भी इफ़ेक्ट करता है, बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन को बॉडी में बढ़ा देता है ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन. एंड लास्ट वन इज एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन कैन बी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव क्या होता है, जिसके अंदर वो अपने आप कंपटीशन करता है उसकी जगह जाके खुद जुड़ जाता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव जैसे वो वहाँ नहीं जुड़ता किसी और जगह जुड़ जाता है तो उसकी शेप चेंज कर देता है. जैसे कि आपने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी आप पढ़ोगे एंजाइम चैप्टर के अंदर, उसके अंदर लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड एंजाइम इनहिबिशन. तो जो एंजाइम इनहिबिशन को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम चैप्टर से सत्यनारायण की बुक में ये बहुत अच्छा दिया गया है. तो हम यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको जस्ट ब्रीफ में पढ़ेंगे. व्हेन सम ड्रग्स इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर इट लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम. एंजाइम इनहिबिशन टेक प्लेस बाय मैनी मैकेनिज्म लाइक सबस्ट्रेट कॉम्पिटिशन, यानी कि जहाँ पे ड्रग को बाइंड होना चाहिए वहाँ पे जाके एंजाइम बाइंड हो जाता है. इंटरफेरेंस विद प्रोटीन सिंथेसिस, उसके प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर कर देता है. इनएक्टिवेशन ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी, ये जो तरीके हैं इस तरीके से एंजाइम इनहिबिशन होता है. फिनाइल ब्यूटाजोन इनहिबिट्स मेटाबोलिज्म ऑफ एस वारफरीन ड्यू टू स्टीरो सेलेक्टिविटी ऑफ एस वारफरीन इंक्रीजेस एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट इज सीन. जब फिनाइल ब्यूटाजोन है वो इसका मेटाबोलिज्म नहीं होने देता है, नहीं होने देगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिटोइन इज इनहिबिटेड बाय ड्रग्स लाइक डायसल्फिराम आइसोनियाजिड एंड क्लोर एम्फेनिकॉल. तो यानी कि अगर फेनिटोइन को का जो इन मेटाबॉलिज्म है वो इनहिबिटेड हो जाता है इन ड्रग्स से, यानी कि जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर वो एंजाइम वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं. तो जो ड्रग्स कुछ ड्रग्स होती हैं वो उस ड्रग के मेटाबॉलिज्म को जो हम ले रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसको इफ़ेक्ट करती हैं, या तो उसकी उस एंजाइम की एक्टिविटी को अगर कम कर देंगी तो क्या होगा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. तो इस तरीके से जो हम साथ में ड्रग लेते हैं, एक ड्रग के साथ जब हम दूसरी ड्रग लेते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है और ये देखा जाता है कि
कि क्या ये ड्रग उस दूसरे वाले ड्रग की एक्टिविटी को कम तो नहीं कर देगी। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करता है कि ये ड्रग आपको सुबह खानी है, ये ड्रग आपको शाम को खानी है, ये इसके साथ लेनी है, ये इसके साथ नहीं लेनी है, वो सब क्या होता है, वो इसकी वजह से ही होता है कि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कहीं एक दूसरे के एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना करें। तो स्टूडेंट्स, बाय दिस अवर यूनिट फर्स्ट इज फिनिश्ड। इन दिस वी स्टडीड इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री आप खुद पढ़ेंगे, बिकॉज हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप बुक से पढ़ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, देन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट वी एक्सक्रीशन। तो ये आप बाय दिस आपका जो सिलेबस फर्स्ट यूनिट है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट यूनिट 2 ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। थैंक यू।